हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने की योजना बनाते किसान नेता गिरफ्तार। आज देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उल्लास व धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने से पूर्व डिप्टी सीएम के पहुँचने से पहले ही किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किसान नेताओं द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाने थे, जिनकी रणनीति किसान नेताओं द्वारा महाराणा प्रताप चौक स्थित नेहरू पार्क में तैयार की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तार करते समय कुछ धक्का मुक्की किसान नेताओं के साथ पुलिस ने की और किसानों को पुलिस बस में हिरासत में लिया गया। किसान नेता समय सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यह उनके अधिकारों का हनन है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। किसी साथी को घर से ठाया है, किसी को कहीं से ठाया है, विरोध प्रदर्शन करना मैं भारतीय किसान यूनियन का सब मोर्चा का हक है। 300 जवान जो शहीद हो गए उनके बारे में नहीं सोच रहे। मैं दुष्यंत से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने हलके में जाके दिखाओ, अपने हलके में जाके दिखाओ इस सरकार को। ये आखिरी बारी है इस सरकार की। जो अन्याय इस बीजेपी सरकार ने किसानों पर किया है, जेजेपी ने किया है, ऐसा अन्याय किसी सरकार नहीं करना चाहता। और हमें आज वादा करता हूँ, जो एक किसान नेता गिरफ्तार किए हैं हमारे साथी, जो रोड हाई मोड में पकड़ रखे, कुछ पालास में पकड़ रखे, कुछ बावल में पकड़ रखे, उनको ये अन्याय किया है। हमारे ऊपर ऐसे तो साहब कहते हैं एक्ट लगा देंगे। अरे मेरे ऊपर तो एक्ट लगा दो, हमारे साथियों पे एक्ट लगा दो, जो घर से ठाए उन पे क्या एक्ट लगाओगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा का सबसे बड़ा शराब तस्कर है, जिन्होंने कोरोना काल में इतनी भारी शराब की तस्करी करी है और आज हमारे इन नेताओं को गिरफ्तार करते हैं, नेताओं को बंद करते हैं, ये भारतीय किसान यूनियन ना झुकेगी, नहीं झुकेगी कभी भी।